पूरे देश में रंगों के त्योहार होली को लेकर तैयारियां चली हुई हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर भी रंगों के त्योहार के लिए शहर में दुकानें सज गई हैं और होली को लेकर शहरवासियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं रंगों के त्योहार होली का अपना ही एक विशेष महत्व है और इस त्योहार में रंगों में रंगने के लिए सभी साल भर का इंतजार करते हैं। अब वो समय आ गया है और देश भर में रंगों के इस त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं हमीरपुर शहर भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और दुकानें रंगों से सजने लगी हैं। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा होली को मनाने के लिए संदेश दिया गया कि होली को पानी के साथ ना मनाएं। उन्होंने बताया कि साथ ही ऐसा करने से पानी की वेस्टेज होती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि होली को सूखे रंगों के साथ मनाएं। होली आ रही है, इस पर जैसे लोग क्या करते हैं, पानी की वेस्टेज करते हैं, पिचकारियों में रंग भरकर पानी की बहुत वेस्टेज हो रही है। इस कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें पानी की कीमत पता है, पर जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उन पर पानी की वेस्टेज बहुत हो रही है। जैसे ऐसे ही पानी बह जा रहा है, होली पर पानी की वेस्टेज बहुत की जा रही है। इससे हमें होली में हमें पानी की वेस्टेज नहीं करनी, हमें अच्छे रंगों से खेलना है, जैसे गुलाल आदि, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जिनसे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान हो सकता है। और अगर हम पानी की जगह गुलाल इनसे खेलें, इससे पानी की भी बचत होगी और इससे हम पानी भी बचा सकते हैं। और होली में अगर हम इन रंगों से खेलें, इससे किसी का भी नुकसान नहीं हो पाएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं होली के लिए, वो कलर्स का यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि वो वाटर गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसे बच्चे अवॉइड तो कर नहीं सकते होली खेलना, लेकिन वो ऐसा कह सकते हैं कि कलर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, क्योंकि होली के जो कलर्स होते हैं उसमें केमिकल डिजॉल्व होते हैं जिसकी वजह से स्किन में अफेक्ट हो सकता है और भी बहुत सारे केसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से। और हम ऐसा होता है होली के टाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से हम बेटर फ्यूचर चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वाटर का कम मतलब जितना हो सके तो पानी को बचाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी से खेलते हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और कलर्स जो है उनको अगर हम बेस्ट क्वालिटी के कलर यूज़ करें तो उससे भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और इससे हमारे लिए अच्छा होगा और हमारा जो फ्यूचर होगा वो भी इससे बहुत अच्छा हो सकता है। तो खुशियों का त्यौहार है तो हमें कलर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है उस वजह से। और लोग शरारत करते करते जैसे बच्चे जानवरों पे भी रंग डाल देते हैं तो उनको भी इरिटेशन होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फ्लावर्स से मनानी चाहिए और तिलक होली जैसे एक कंसेप्ट है वो करना चाहिए हमें, और नेचुरल कलर्स यूज़ करने चाहिए जैसे कि हल्दी या फिर फ्लावर्स हमें ज़्यादातर खेलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो होली को बुरे तरीके से भी मनाते हैं, जैसे कि नशा वगैरह करते हैं, तो वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब सभी को मिल के ये सब कुछ करना चाहिए, खुशियों से मनाना चाहिए। और जो होते हैं दूसरे कलर जो होते हैं मार्केट के, वो स्किन को डिफेक्ट कर देते हैं, उस पर रिएक्ट कर जाता है फेस पे। तो हम अगर हल्दी और रोज पेटल का यूज़ करेंगे तो वो स्किन के अच्छे भी होते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा फेस पे। ज़्यादा रंगों से नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्किन इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। और हमें ज़्यादा पानी की वेस्टेज भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा रंग लगता है, इससे हम नाबाद नहीं आते हैं, इसलिए इससे पानी की वेस्टेज भी होती है, पानी व्यर्थ जाता है। इसलिए हमें होली के पवित्र प्राकृतिक रंगों से मनानी चाहिए, जैसे हल्दी, छोटा सा टीका लगाना चाहिए। होली इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ इंडिया, इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। On this day, people burn bonfire card holika. People throw color powders on each other and spray water on each other. People they sing and dance with the joy. They offer sweets to each other.